दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल नेबू भाई में। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। तो दोस्तों, अभी हम लोग क्लास से छूटे हैं। आज बहुत दिन के बाद वीडियो बनाने का मन हुआ है, मेरे पास टाइम है अभी 10 मिनट का, तो सोचा एक छोटा सा वीडियो बना लूँ। बहुत दिन हो गया वीडियो बनाए। तो दोस्तों, अभी अभी क्लास से छूटे हैं और लंच करके आ रहे हैं स्पून से। लंच करके तुरंत अभी अपने रूम में पहुँचे हैं। ये है मेरा रूम पार्टनर प्रदुम्न यादव फ्रॉम गाजीपुर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को अपने रूटीन के बारे में बताएंगे। तो बने रहिए मेरे वीडियो में अंत तक, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। ये रहा, देखिए कैसे मस्त से मोबाइल चला रहा है। 10 मिनट बस टाइम है इसके पास, ये बस 10 मिनट तक ही मोबाइल चला सकता है, उसके बाद तो फिर ये क्लासरूम में दिखाई देगा। तो ये देखिए, ये हम लोगों का स्टडी मटेरियल है। ये मेरा बैग है मैट्रिक का, और ये मेरा सोने का जगह है। इधर कपड़ा उपड़ा रखा हुआ है, और ये मिरर, ये अलमीरा, ऊपर में फैन है, और ये रहा मेरा खिड़की साइड स्कर्टन। यहाँ से पूरा दृश्य दिखता है, इधर से सी दिखता है पूरा एकदम क्लियरिटी से। इधर सी में वेसल आते जाते रहते हैं, जो भी सेलिंग वाला वेसल होता है, जैसे कंटेनर शिप, ऑयल केमिकल शिप इत्यादि, बहुत सारे शिप आते जाते रहते हैं। हर एक घंटा में कोई ना कोई शिप आता है, तो यहाँ से हम लोग उसका भी आनंद लेते हैं शिप का। और इधर साइड में रोड है, इधर साइड में रोड है, रोड पे मतलब गाड़ी वोड़ी आते जाते रहते हैं। तो आइए आप लोगों को बताते हैं अपने रूटीन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने सुबह से, मॉर्निंग टाइम से। तो मॉर्निंग में हम लोग सुबह 6 बजे उठ जाते हैं। 6 बजे के बाद 1 घंटा हम लोग पीटी ओटी होता है। पीटी होने के बाद फिर आके ब्रश व्रश करते हैं, नहाते हैं, उसके बाद जाते हैं डाइनिंग हॉल, नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद 8 बज जाता है। 8 बजे के बाद 8:30 बजे हम लोग प्रेयर होता है। 8:30 बजे प्रेयर होने के बाद 9 बजे क्लासरूम में हम लोग होते हैं। 9 बजे क्लासरूम में GSK का और MEK का दोनों सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है। तो MEK चलता है 1.5 घंटे और GSK 1.5 घंटे, तो ये 3 घंटा हुआ। तो 9 से 12:30 तक हम लोगों का क्लास चलता है। उसके बाद लंच का छुट्टी होता है, तो लंच करने जाते हैं। अभी हम लोग लंच करके आए हैं, और फिर हम लोगों का 1:30 से प्रैक्टिकल का स्टार्ट होगा क्लास। प्रैक्टिकल में हम लोग जाते हैं, रोप कैसे बनाया जाता है ये सब सीखते हैं, वेल्डिंग, लेथ मशीन, इंजन पार्ट जो भी होता है प्रैक्टिकल में हम लोग सीखते हैं। ये चलता है शाम को 5 बजे तक। 5 बजे के बाद हम लोगों को छुट्टी होता है, फिर नाश्ता करते हैं, और नाश्ता मिलता है 5 बजे, चाय मिलता है, और जो भी होता है बिस्किट कभी मिलता है, कभी हलवा मिलता है, और कभी कभी अंडा ब्रेड मिलता है। हफ्ता में 2 बार अंडा ब्रेड मिल जाता है, और चाउमीन मिलता है यहाँ पे। और उसके बाद हम लोग आते हैं ड्रेस चेंज वेंज करके, और पढ़ने बैठते हैं 5 बजे के बाद, 5:30 या 6 बजे से बैठ जाते हैं। 6 बजे से 7:50 तक हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोगों का हेड काउंटिंग के लिए बुलाया जाता है, जाते हैं। हेड काउंटिंग होता है कम से कम 7:30 से हेड काउंटिंग होता है। उसके बाद 8 बजे तक हम लोग फ्री हो जाते हैं। 8 बजे फिर अनाउंसमेंट होता है डाइनिंग हॉल में जाने के लिए, डिनर के लिए। तो हम लोग डिनर करने जाते हैं 8 बजे नाइट में, और फिर लौटते हैं उधर से 8:30 के लगभग में लौटते हैं। फिर 9 बजे से अपना जो भी क्लासरूम में वो रफ किए होते हैं, जो भी पढ़ाई हुआ होता है, उसको साफ करते हैं। साफ करते करते हम लोगों को शायद 10 या 10:30 हो जाता है MEK और GSK मिला के। उसके बाद थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं, तो 11:30 11 लास्ट हम लोग 12 बजे तक, रात में 12 बजे तक हम लोग सो जाते हैं। फिर रात में सोने